दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जोंक पर नमक डालने पर वो शरीर से अलग क्यों हो जाती है, या फिर ये कि क्या इंसान के शरीर के अंदर एक पेड़ उग सकता है? अच्छा, क्या आप उस हाथी के बारे में जानते हैं जिसे हत्या के जुर्म में फांसी से लटका दिया गया था? नहीं जानते ना, तभी तो आते हैं हम आपको एक्साइटिंग और इनक्रेडिबल नॉलेज से फैक्टिफाई करने के लिए। तो बैठ जाइए आराम से और ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन चाइनीज हेडफोन्स को। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये कमाल का सफर। Factified, facts on your face. Fact number one, दोस्तों, क्या आपको भी बचपन में आपके पेरेंट्स संतरे के बीजों से ये कहकर डराते थे कि अगर ये तुम्हारे पेट में चला गया तो तुम्हारे पेट में से संतरे का पेड़ उग जाएगा? खैर, फिर भी हमने कई बीज निकले हैं और कोई पेड़ भी नहीं उगा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या एक बीज हमारे शरीर के अंदर भी अंकुरित हो सकता है? अगर आप अभी तक इस सवाल को लेकर असमंजस में हैं, तो आपको बता दूं कि ऐसा होना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन ऐसे कुछ वाक्य हुए भी हैं। मैसाचुसेट्स अमेरिका के रॉन स्वीडन को अपनी चेस्ट में दर्द की शिकायत हुई तो वो डॉक्टर के पास गए। एक्सरे में उनके फेफड़ों के पास एक अजीब से ट्यूमर ने डॉक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन जब जांच हुई तो मालूम पड़ा कि रॉन के शरीर में कोई कैंसर नहीं बल्कि एक मटर का दाना था जो फूड पाइप की जगह लंग्स की तरफ चला गया था और अंकुरित होकर आधा इंच तक बढ़ गया था। इसके बाद रॉन स्वीडन का ऑपरेशन हुआ और पौधे को बाहर निकाल दिया गया। सबसे मजे की बात तो ये रही दोस्तों कि ऑपरेशन के बाद रॉन को पहली मील में मटर का ही सूप दिया गया। खैर, मुद्दा ये है कि जो भी खाएं चबाकर खाएं। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों, अगर आप किसी नम हरे भरे इलाके में रहते हैं तो खून चूसने वाली लीच यानी कि जोंक की परेशानी से आप भलीभांति परिचित होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई जोंक शरीर से चिपक जाती है तब उस पर नमक डालकर उसे त्वचा से हटा दिया जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, आप इसके पीछे की साइंस समझते हैं? नहीं तो अभी समझाता हूँ। दोस्तों, नमक पानी को सोख लेता है और इन लीचीज की स्किन नाजुक होती है, उसमें से नमी की आवाजाही आसानी से हो सकती है। तो होता क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से नमक जोंक के शरीर का सारा पानी सोख लेता है। पानी के अभाव में उसके शरीर के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और वो छटपटाती हुई मर जाती है। और दोस्तों, इसी कारण जोंक चिपक जाने पर उस पर नमक डालने की हिदायत दी जाती है। तो कुछ समझे? अगर हाँ तो भाई की वीडियो पर एक लाइक दिए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों, कई खूंखार अपराधियों को मौत की सजा मिलते हुए तो हमने कई बार सुना है, लेकिन क्या कभी आपने किसी हाथी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बारे में सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ मर्डरस मैरी की कहानी, जो 5 टन की एक एशियाई हथिनी थी और जिसे मर्डर के आरोप में फांसी पर टांग दिया गया था। टेनेसी अमेरिका की एक सर्कस में काम करने वाली मैरी ने जब एक दिन अपने नौसिखिए ट्रेनर को जान से मार दिया तो लोकल जनता किल द एलिफेंट के नारे लगाने लगी। एक आदमी ने तो मैरी पर 5 राउंड भी दागे, लेकिन वो मैरी को मार ना सका। लोकल लीडर्स की चेतावनी के बाद सर्कस का बहिष्कार ना हो, इससे बचने के लिए उसके मालिक चार्ली स्पार्क्स ने सोचा कि इसका एक ही उपाय है कि घायल हाथी को पब्लिक के सामने ही मार दिया जाए। अगले ही दिन मैरी को रेल से टेनेसी की यूनिकोई काउंटी ले जाया गया, जहां मैरी की पब्लिक एग्जीक्यूशन की तैयारी की गई थी। और फिर 2,500 लोगों की मौजूदगी में इंडस्ट्रियल डायरेक्ट क्रेन की मदद से मैरी को गर्दन से टांग कर फांसी दे दी गई। मैरी को वहीं ट्रैक्स के पास ही दफना दिया गया। अब इस पर मैं क्या ही कहूं। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों, दुखी या मायूस होने पर आंखों से आंसू आना एक आम बात है, लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि रोते वक्त सिर्फ हमारी आंखों से ही आंसू नहीं आते, हमारी नाक भी बहने लगती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल, हमारी पलकों की साइड में एक छोटा सा छेद होता है। जब हमारे आंसू निकलते हैं, इस छिद्र के सहारे ही आंसू नासिका की ओर निकल जाते हैं, जिससे नाक से भी पानी आने लगता है। और यही कारण है कि लोग रोते समय नाक पोंछते रहते हैं और हमें लगता है कि नाक भी बह रही है। था ना कुछ नया? फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों, भारतीय रेलवे की ट्रेन्स पर ऐसे कई नंबर्स और सिंबल्स दिए होते हैं जिनका मतलब अमूमन लोगों को पता ही नहीं होता, जैसे कि रेल बोगियों पर छपी पीली या सफेद रंगों की ये लाइन्स। क्या आप जानते हैं कि ये अलग अलग रंगों की धारियां क्या दर्शाती हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जब ट्रेन स्टेशन पर पहुँचती है तब बहुत से लोग जनरल डब्बे को ढूंढते रहते हैं। वो ये नहीं जानते कि इन धारियों की मदद से वो आसानी से जनरल डब्बा पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, नीले रंग की कोचिस पर पीली या फिर हल्के नीले रंग की धारियां दिखें तो समझ जाइए कि ये जनरल या फिर सेकंड क्लास का डिब्बा है। आपको ये धारियां कोच के एंड में खिड़की के ऊपर दिखेंगी और ये एक बोगी को दूसरी बोगी से अलग करने का काम भी करती हैं। वहीं अगर धारियां लाल हों तो समझ जाए कि वो एसी डिब्बा है। कई रीजनल रेलवेज हरी पट्टियों वाली वुमेन स्पेशल कोचेस
और zigzag पीली लाइंस वाली हैंडीकैप स्पेशल बोगियां भी चलाती हैं। ये है वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो हर हफ्ते इसी तरह फैक्टिफाई होने के लिए अभी दबा दें उस सब्सक्राइब बटन को और नोटिफिकेशंस भी ऑल पे सिलेक्ट करके ऑन कर लें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। और हाँ, अब हर हफ्ते हम लेकर आते हैं योर ओन फैक्ट, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें कोई ऐसा फैक्ट जो कर दे हम सबको सोचने पर मजबूर। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने 200 या 300 साल पुराने पेड़ों के बारे में तो सुना होगा और शायद कुछ ने देखे भी होंगे, लेकिन क्या आप इस ग्रह के सबसे उम्रदराज पेड़ के बारे में जानते हैं? जानेंगे कैसे, क्योंकि ये कहाँ है और किस कंडीशन में है, इसकी पूरी जानकारी सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी गई है। दोस्तों, ये कमाल की कहानी है मेथुसेला की, जो 4850 साल से भी ज्यादा पुराना ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन प्रजाति का एक विशालकाय पेड़ है। ये कैलिफोर्निया अमेरिका की इनियो काउंटी में ही कहीं स्थित है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ ये सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। इसका पता एडमंड शुलमन नाम के एक वैज्ञानिक ने लगाया था, जब उन्होंने इसके तने में 4600 से भी ज्यादा रिंग्स गिनी थी। हर एक रिंग एक साल को रिप्रेजेंट करती है, और सिर्फ इन रिंग्स को ही देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उस साल मौसम कैसा रहा होगा और क्या ग्रोथ के लिए कंडीशंस फेवरेबल थी कि नहीं। दोस्तों, ये पेड़ खुद में समय और मौसम का एक ऐसा रिकॉर्ड समाये हुए है जिसकी तुलना किसी भी और ऐसे रिकॉर्ड से नहीं की जा सकती, और इसीलिए ये बेहद खास है और इसे आम नजरों से छिपाकर रखा गया है। फैक्ट नंबर 7। इन दिनों हम सभी क्रिकेट को बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए एक क्रिकेट फैक्ट। दोस्तों, आपने भी कई इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में ये फैंसी एलईडी वाली गिल्लियां हवा में उड़ती हुई देखी होंगी। इन स्पेशल बेल्स की एजेस पर एक मैग्नेट स्विच होता है जो बेल्स को तब तक ऑफ रखता है जब तक वो स्टंप्स पर टिकी होती हैं। जैसे ही ये स्टंप्स के ऊपर से हटती हैं, तब स्विच ऑन हो जाता है और बेल्स और स्टंप्स में मौजूद एलईडी लाइट्स जलने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इन गिल्लियों की कीमत भी एक आईफोन से ज्यादा होती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जिंग इंटरनेशनल द्वारा विकसित ये स्टंप्स बेहद महंगे हैं, क्योंकि इस तरह के स्टंप्स और बेल्स बनाने में रिसर्च करने और इन्हें डेवलप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बात करें इन स्टंप्स की, तो ये 24 लाख रुपए कीमत के हैं, और इन पर टिकने वाली ये बेल्स भी 50-50 हजार रुपए की एक है, यानी कि 25 लाख रुपए का सिर्फ एक सेट। इनका इतना महंगा होना ही तो कारण था कि 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद अंपायर ने इंडियन कैप्टन धोनी को स्टंप ले जाने से रोक दिया था। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जहां एक और हमारे देश की लगभग सभी जेलों की क्षमता से दोगुने कैदी हैं, वहीं दुनिया का एक देश ऐसा भी है जो अपनी जेलों को भरने के लिए दूसरे देशों से कैदियों को इम्पोर्ट करता है। और इतना ही नहीं, इस देश में कैदियों की इतनी कमी हो गई है कि यहां की सरकार को पिछले कुछ सालों में अपनी 19 जेलों को बंद करना पड़ा है। दोस्तों, मैं यहां बात कर रहा हूं नीदरलैंड्स की, जिसे हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नीदरलैंड में कोई अपराध नहीं होते जो वहां कैदी ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड में अपराध तो होते हैं, लेकिन उनके लिए मिलने वाली सजा के प्रावधान कम कर दिए गए हैं। 2004 के बाद से नीदरलैंड सरकार के द्वारा उठाए गए कई कदमों के चलते देश में क्राइम का ग्राफ तेजी से गिरा है। नए कानूनों के तहत सजा की जगह सुधार पर जोर दिया गया। अब यहाँ मामूली अपराध करने वाले लोगों को जेल में नहीं ठूसा जाता, बल्कि उनके पैरों में एक मॉनिटरिंग रिंग डाल दी जाती है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इससे अपराधी अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जीता रहता है और पुलिस की निगाह में भी रहता है। अपनी जेलों में कैदियों की कमी के चलते ही नीदरलैंड सरकार ने पिछले साल नॉर्वे से लगभग 240 कैदी इम्पोर्ट करके अपनी जेलों में रखे। दोस्तों, फिलहाल नीदरलैंड की जनसंख्या 1.7 करोड़ है और केवल 11,600 लोग जेल में बंद हैं, यानी कि औसतन 1 लाख जनसंख्या में केवल 69 कैदी। वहीं अगर अमेरिका को देखें, तो प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 716 कैदी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ट्रोल होना कोई हैरानी की बात नहीं। ये ट्रोल्स वो लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को बुरा भला कहने और नीचा दिखाने में मजा आता है, लेकिन सारी ही दुनिया खराब है ऐसा भी नहीं है। इस फैक्ट में मैं आपको कहानी बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका में रहने वाले हेक्टर नाम के एक नौजवान की, जिसने केप टाउन के एक KFC में अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज किया। फिर क्या था, कैमरे पर रिकॉर्ड ये पल जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो कुछ ने इन खास पलों की तारीफ की, तो वहीं इन जैसे कुछ महारथियों ने ये तक कह दिया कि साउथ अफ्रीका के आदमी इतने गरीब हैं कि वो अपनी डेट को किसी अच्छी जगह नहीं ले जा सकते। क्या KFC भी कोई प्रपोज करने की जगह है? खैर, घूमते घुमाते ये क्लिप KFC साउथ अफ्रीका तक जा पहुंची, जिसके बाद उन्होंने इस कपल की तलाश की
और पूरी शादी अपने खर्च पर करवाने की अनाउंसमेंट भी कर दी। केएफसी के पीछे पीछे ऑडी ने शादी में गाड़ी देने की बात कही तो कोक ने सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई। एक दूसरे ट्विटर यूजर ने इस कपल को रोज गोल्ड और डायमंड स्टडी ड्रिंक्स गिफ्ट की तो एक ट्रेवल कंपनी ने इन्हें एक हनीमून पैकेज गिफ्ट कर दिया। पूमा, हुआवई और सोनी जैसे ब्रांड्स के अलावा कई लोगों ने इस वायरल केएफसी प्रपोजल कपल को कई गिफ्ट्स देकर इनकी शादी को यादगार बना दिया। इंसानियत मरी नहीं है अभी, ये एक सबूत है। फैक्ट नंबर 10, सोशल मीडिया पर जिंदगी कैसे रातों रात बदल सकती है, इसकी एक और एग्जांपल इस फैक्ट में। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सूडान की सुपर मॉडल एनोक याई की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज पूरी दुनिया में मशहूर एनोक एक संयोग से मॉडल बनी थी और वो भी देन थी इसी सोशल मीडिया की। दरअसल सूडान की 19 साल की एनोक याई जब एक दिन अमेरिका की हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के होमकमिंग फेस्टिवल में पहुंची, वहां एक फोटोग्राफर ने उनको अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर उनकी ये फोटो पोस्ट कर दी। इस फोटो के इंटरनेट पर छपते ही एनोक में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और 19 साल की इस लड़की के पीछे कई मॉडलिंग एजेंसीज पड़ गई। हर कोई इसे साइन करना चाहता था। 3 कंपनीज ने तो एनोक के साथ तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिए और कुछ ही सालों में वो दुनिया की टॉप मॉडल्स में शुमार हो गई। और दोस्तों, ये सब हुआ इस लड़की की इंस्टाग्राम पर पोस्टेड सिर्फ 2 फोटोज की वजह से। और दोस्तों, अब समय है आपके अपने योर ओन फैक्ट का। आज का हमारा योर ओन फैक्ट भेजा है आकाश बराल ने और ये है कैप्चा के बारे में। दोस्तों, आपने कई वेबसाइट्स पर फॉर्म या फिर लॉगिन डिटेल सबमिट करते हुए रैंडम नंबर्स और अल्फाबेट्स वाला ये कैप्चा डायलॉग बॉक्स जरूर भरा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये क्यों भरवाया जाता है और इसका काम क्या होता है? नहीं दोस्तों, तो बता दूं कि कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये एक तरह का ट्रिगर होता है जो वेबसाइट को आगे बढ़ने के लिए कहता है और इसका मुख्य काम एक मशीन और एक इंसान में फर्क करना होता है। आज एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर किसी इंस्ट्रक्शन को बार बार देना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में टिकटिंग, बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां एक कैप्चा कोड बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर प्रोग्राम बनाकर कई ऑर्डर्स रिपीट पे कर दिए जाएं तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये कैप्चा कोड्स ऐसे ट्विस्टेड और जंबल्ड होते हैं कि उन्हें इंसान ही समझ सकते हैं, कंप्यूटर्स नहीं। इसीलिए प्रोग्राम्ड एंट्रीज और रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस जाने से बच जाती हैं। इस कैप्चा के बिना इंटरनेट एक स्पैम से भरी दुनिया बन जाएगी। तो आपके दिमाग में फालतू स्पैम ना भरते हुए खत्म करते हैं आज का ये फैक्टिफाइंग सफर। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते ऐसे ही ऑसम और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।